और क्वेश्चन नंबर 20, 20 अपन पीछे कर चुके हैं, आई जो वस्तु पहले आ चुका है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x dx। ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये कॉस माइनस, इसको क्या लेंगे, साइन माइनस कॉस एक्स नीचे आना चाहिए, उसका डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16, एक जोड़ दिया एक घटा दिया, एडिंग फर्स्ट वन एंड वन सब्ट्रैक्टेड प्लस साइन 2x। कल किया था ऐसा एक क्वेश्चन, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 प्लस 16 इंटू वन माइनस कॉमन है तो वन माइनस साइन 2x dx। और कल बताया था वन माइनस साइन 2x रिटर्न एज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कल बताया था मैंने आपको, ये वन को लिखेंगे या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और टू साइन एक्स कॉस एक्स, हो गया कि नहीं, तो रख दीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और 9 प्लस 16 माइनस 16 इंटू वन माइनस साइन 2x, और ये हो गया इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 25 माइनस 16 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आगे आई इज इक्वल टू 16 कॉमन ले लें, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 16 कॉमन लिया, 25 अपॉन 16 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन का डिफरेंस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया 1 अपॉन 16 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 5 अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। अब कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन 2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, और फॉर्मूला दिखा दूं मैं आपको पेज नंबर 226 पे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस, दो हैं पेज नंबर 226 पर, लगा दीजिए आई इंटीग्रल 1 अपॉन 16 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 5 बाई 4, तो 2 इंटू ए इक्वल्स टू 5 बाई 4 लॉग ऑफ 5 बाई 4 प्लस टी अपॉन 5 बाई 4 माइनस टी प्लस सी। ये 4 से कैंसिल 4 टाइम्स, 5 टू 10 इंटू 1 अपॉन 40 लॉग ऑफ 5 प्लस 40 अपॉन 5 माइनस 40, एलसीएम ले लिया, टी की वैल्यू पुट कर दो, 1 अपॉन 40 लॉग ऑफ 5 प्लस 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और 5 माइनस 4 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी।
क्वेश्चन नंबर 20 आंसर जरूर चेक करो। 1/40 log 5+4 sin x माइनस cos x, 5-4 sin x माइनस cos x। और एक और देख लो, एक क्वेश्चन ट्वेंटी तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 22 ये तो एक नंबर का आ चुका। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस के 2 cos² 2 sin² / 2 cos² 10² 10² को क्या लिखेंगे, sec² x - 1। ट्वेंटी टू तो सिंपल है भाई, ये लो क्वेश्चन नंबर 20 के 1 cos 2x / 1 ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको, ये तो होता है 2 sin² x और ये 2 cos² x dx, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 10² x dx और 10² इज रिटर्न है, ये बोर्ड में आ चुका है कई बार, इसकी वजह से आता है ये। तो ये फॉर्मूला और फिर ये फॉर्मूला यहाँ के तक जाते हैं स्टूडेंट, क्या करें तो 10² को तो ये sec स्क्वायर का तो 10x 1 का x प्लस c, 10x माइनस x प्लस c इसका इंटीग्रेशन है, c ऑप्शन है। 23 में से 2 कॉमन ले लेना, √2 बाहर आएगा, log x इंटू 1 से करेंगे 24 में इंटू 1 करके, और 25th है बाई पार्शियल फ्रैक्शन a/x + b/x + 1। तो ये आपकी चैप्टर 9 मेरी तरफ से कंप्लीट है, और बोल देता हूँ चैप्टर 9 की प्रॉब्लम। अब सैटरडे टेस्ट, संडे जो टेस्ट होगा, पेपर तो आता है टेस्ट का, तो उस पेपर को सॉल्व भी करते हो कि नहीं। मैं इस पूरे चैप्टर 9 चैप्टर का पेपर आएगा, और उसको आंसर शीट भी आती है क्या, आंसर शीट भेज देंगे हम तो हैं। तो ये मैं कल आपके चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करूँगा, और 10 है डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट आ जाएगी, कांस्टेंट सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये था चैप्टर 9, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और कल करेंगे हम चैप्टर 10।